हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए विंटर वियर बेबी कैप बनाना सीखेंगे। ये कैप हम कॉटन के कपड़े से बनाने वाले हैं और इसकी डिज़ाइन देखिए, ये फ्रंट की तरफ रहेगा ये वाला हिस्सा। इसमें हमने आगे की तरफ फ्रिल भी लगाई है जिससे बहुत ही सुंदर सा शेप नज़र आता है, और ये बैक साइड में पट्टी लगाई है जिससे बच्चों की नेक अच्छे से कवर हो जाती है, बच्चों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। इस तरीके की डिज़ाइन के साथ हम ये कैप बनाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कैप बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो तरह के फैब्रिक लिए, एक अस्तर का फैब्रिक और एक हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है। दोनों ही कपड़े जो है हमें कॉटन के लेने हैं और थोड़े मोटे प्रकार के लेने हैं, जिससे क्या है कि बच्चों की जो कैप है अच्छे से बने और उन्हें ठंड भी ना लगे। सबसे पहले देखिए, हमें एक कपड़ा कट करना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 9 और 10 इंच होनी चाहिए, यानी कि एक साइड से तो कपड़ा 10 इंच का और एक साइड से 9 इंच का मार्क करके आप कटिंग कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें इसे फोल्ड करके एक साइड में गोलाई देनी है। तो इस साइड से तो ये 9 इंच का और इस साइड से 10 इंच का। ये 10 इंच वाली जो साइड है उस तरफ से हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और एक तरफ इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ठीक है, आप फोल्ड करने का तरीका जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसी नाप का हमें अस्तर भी कट कर लेना है, सेम नाप का हमने अस्तर कट कर लिया है। अब हमें दो पट्टियाँ कट करनी है, एक फ्रंट की तरफ लगाने के लिए और एक नेक की तरफ लगाने के लिए। तो इसकी चौड़ाई लगभग 2 से 2.5 इंच की है और इसकी लंबाई रख लीजिए लगभग आप 7.5 से 8 इंच की। ठीक है, अब एक पट्टी हमें लंबी कट करनी है जिससे क्या है कि आगे की जो पट्टी है वो भी बन जाए और बांधने वाली डोरियां भी साथ में बन जाए, ये फेस के आगे की तरफ रहती है। तो इसकी चौड़ाई हम लगभग लंबाई हम रखेंगे लगभग 9 इंच की, पट्टी हमने लगभग 27 से 28 इंच की कट करनी है। इसका सेंटर निकाल लीजिए और सेंटर से दोनों तरफ 4.5 इंच पर मार्क कर दीजिए। ये 9 इंच के बीच में पट्टी रह जाएगी और बांधने वाली डोरिया भी साथ में ही लग जाएगी, अलग से लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब हम आगे की तरफ फ्रिल लगाने वाले हैं डिज़ाइन के लिए, वो आपके ऊपर है, आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, ना चाहो तो ना भी लगाओ। तो हमने 2.5 इंच की कट कर लेनी है, इससे अच्छी डिज़ाइन आ जाएगी। अब दोनों फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखिए और चारों तरफ एक सिलाई लगा दीजिए ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। ठीक है, अब इसमें एक सेंटर बना लीजिए, ये जो गोलाई वाली हिस्सा है उस तरफ। अब हमें दोनों पट्टियाँ लेनी है, बैक साइड वाली और फ्रंट वाली भी। बैक साइड वाली जो पट्टी है जो सीधी साइड है उस तरफ लगेगी। पट्टी को नीचे की तरफ रखिए और देखिए जो कपड़ा है एक्स्ट्रा हो रहा है तो हमें क्या करना है, बीच में चुन्नट डाल देनी है। चुन्नट हम इसलिए डालते हैं ताकि बैक की तरफ ये जो रहे तो बच्चों को टोपी जो है वो खींची खींची से ना लगे, एकदम लूज रहे। अब इस पट्टी को हम ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। ज़्यादा टाइट कैप भी अच्छी नहीं रहती है इसलिए हम इसमें चुन्नट डाल रहे हैं। अब हमें आगे की पट्टी लगानी है। तो देखिए ये जो कपड़ा हमने 9 इंच पर मार्क करा है इसमें हमें पूरी कैप को कवर करना है, तो हम यहाँ से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे और इसमें छोटी छोटी सी चुन्नट डालते जाएंगे। कपड़े को बराबर अंदर की ओर अच्छे से डालिएगा। अब देखिए पट्टी का सेंटर 9 इंच का जो हमने सेंटर बनाया था 4.5 वाला और जो कैप पर हमने गोलाई में सेंटर बनाया था वो दोनों मिलने चाहिए। सारे कपड़े को हमें अंदर की ओर कवर कर लेना है इतने से गैप में। ये देखिए एकदम सेंटर दोनों बराबर मिल रहे हैं। अब हमें आगे भी इसी तरीके से जो दूसरा वाला मार्क है वहाँ तक इसमें प्लेट डालते हुए इसे सारे कपड़े को कवर कर लेना है जिससे कि ये कैप एकदम गोल हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हो गई है। अब हम पट्टी को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे, इसे बांधने वाली डोरिया भी साथ में बन गई है हमारी और पट्टी भी लग गई है। ज़्यादा बड़ी फोल्ड ना करें इसे। ये हमारी कैप तो रेडी है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी पहना सकते हो, दोनों साइड से भी ये काम में आ जाती है, दोनों साइड से पहना सकते हो। ये देखिए बहुत ही क्यूट लग रही है। अब हम इसकी फ्रिल लगानी है, उसे रेडी कर ले। तो पट्टी को हमने जॉइंट कर लिया है, इसके एक साइड में हमें इसे सिलाई लगा देनी है और फिर इसे पलट कर सीधा करना है। ठीक है, अब हम इसे किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लेंगे। एक साइड में इसकी सिलाई लगा लीजिए, फिर इसको अंदर की ओर डालिए, सीधी हो जाएगी। फिर हम इसे सीधा करने के बाद देखिए इसमें इस तरीके से प्लेट लगाएंगे, इस तरीके से इसमें चुन्नट डालनी है हमें, जैसे हमने केप में डाली थी ठीक उसी तरीके से। जितनी हम ऊपर से चौड़ाई रखते हैं प्लेट्स की उतना ही कपड़ा हमें अंदर की ओर डालना होता है, इससे एकदम परफेक्ट प्लेट बनते हैं। ये प्लेट्स बनाते वक्त आपको सिलाई जो है एकदम किनारे पर लगानी है। ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है, अब हम इसे यहाँ पर लगाएंगे फ्रंट की तरफ, इस तरीके से नीचे रखना है इसे और एकदम किनारे पर सिलाई लगा दीजिए। इससे कैप में अच्छी सी डिज़ाइन आ जाएगी, बहुत ही अच्छी लगती है छोटे बेबी पर।
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए और पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा दीजिए। ये हमारी कैप बनकर रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके की कैप बनाना। आप छोटे बच्चों से लगाकर बड़े बच्चों के लिए भी इस तरीके की कैप बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं बच्चे इसमें और बहुत ही अच्छी लगती है कैप। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।